आम आदमी पार्टी के विधायकों पर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि आपके विधायक सरकारी कार्यालय और जमीनों को कब्जा कर अपना ऑफिस बना रहे हैं। पत्रकार बंधुओं, आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता होने जा रही है। इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को करने के लिए हमारे प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी यहाँ मौजूद हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजन तिवारी जी, मीडिया रिलेशन सह प्रमुख विक्रम मित्तल जी। तो मैं हर्ष जी से कहूंगी कि वो अपनी बात को रखें आपके सामने। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर आप सबके समक्ष बात रखने जा रहा हूं, हमारे साथ उस विषय पर प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई राजन तिवारी जी भी हैं, हमारे प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ जी, मीडिया रिलेशंस दिल्ली प्रदेश का काम देखते हैं भाई विक्रम जी, और पत्रकार साथियों। जिस विषय पर मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं उससे संबंधित सबसे पहले चाहूंगा कि आप एक वीडियो देखिए। वीडियो देखते उसके बाद मैं उसमें अपने कमेंट्स और अपनी बात आपके समक्ष रखूंगा। और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जो चेयरमैन कार्ड है, ये सरकारी जमीन कार्यालय है और इस पे इन्होंने अपना कार्यालय बना रखा है। पूरी सरकारी बिल्डिंग पर अपना बोर्ड लगा रखे हैं। फिल्म में देखा, वीडियो में इनके लगभग सभी विधायक मेरे पास सूची है, मैं आपको अभी नाम पढ़ के दिखाऊंगा, सरकारी दफ्तरों में सरकारी जमीन पर अपना अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कार्यालय चला रहे हैं। ये जैसा कि हमने पहले भी कहा है, कानून को ना मानने वाली सरकार है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार, कानून को इस तरह से देखने वाली सरकार है कि ये उनके घर की कठपुतली है, अराजक सरकार है, अराजक नेता है और अराजक ही इनकी लीडरशिप है। यहां तक कि इनके डिप्टी सीएम साहब मनीष सिसोदिया जी, इनके मंत्री सत्येंद्र जैन जी और बाकी मंत्री भी सरकारी कार्यालयों में, सरकार की संपत्ति सरकार की होती है, सरकारी कार्यालयों में जहां बीएसएस का दफ्तर चलता है, जहां पर जो डिप्टी सीएम साहब का कार्यालय बना है वो बीएसएस के दफ्तर में बना है, सत्येंद्र जैन जी जहां पर वो भी सरकारी जमीन है। ये सूची है मेरे पास, मैं आपको नाम पढ़ के बताऊंगा कि ये सब के सब इनके विधायक सरकारी जमीन को एनक्रोच करके अपना कार्यालय बनाते हैं, विधायक का कार्यालय भी चलाते हैं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी काम यहीं से करते हैं, अपनी पार्टी का कार्यालय भी यहीं से चलाते हैं। ये वो लोग हैं जो जिनके
सबसे बड़े नेता जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, 26 जनवरी की परेड नहीं होगी इस बात के खिलाफ वहां पर जाकर के रात को सो गए थे राजपथ पे। तो कानून को ना मानने वाले लोग हैं, ये दरअसल कब्जों की सरकार है, ये आम आदमी कहलाने वाले लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो भू माफिया बने हुए हैं, ये सामान्य आदमी नहीं है, ये भू माफिया है। यहां तक कि केजरीवाल साहब ने भी कहा था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, अपने दो बड़ी सरकारी कोठियों में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, यह भी कब्जा है। अरे भैया, मुख्यमंत्री को के घर में स्विमिंग पूल होना चाहिए क्या? दिल्ली